अम्मी आजकल मैं फराज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो फिजा को दिलो दिमाग से निकाल दे। अच्छा है, समझाओ, और जितनी जल्दी भूल जाए ये उसके लिए बेहतर है, नहीं तो यादों के सहारे वो मुस्तकबिल में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अम्मी आप तो जानती हैं कि फराज फिजा से कितना प्यार करता था। अच्छा अच्छा, मेरी बात मेरी बात सुनो, अपने आंसू को देखो, तो इसको देखो, अल्लाह के हर काम में उसकी मस्ती आता है, पर अभी तो वो इस दुनिया में भी नहीं आया था। लेकिन आज़र, वो मेरे वजूद का हिस्सा था, मैं कैसे भूल जाऊं, कैसे आज़र? तेरे लिए भी बहुत कुछ था, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम प्लीज खुद को तो तकलीफ ना दो, कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब जाए, प्लीज। क्या हो गया ज़िया, तुम अच्छी तरह जानते हो ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। देखो फराज, तुम फिजा को अपने दिल से निकाल दो। कैसे निकालूं, वो रोज मेरे सामने बॉस की सेक्रेटरी की शक्ल में आ जाती है, और तुम मुझे कहते हो कि मैं उसे भूल जाऊं। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। हया, मुझे मेडिसिन ला दो। ये वही कमरा है, इतना साफ सुथरा। भाई तुम लोगों ने क्यों तकलीफ की, मैं कर लेती ना। क्यों भाई, हमारे होते हुए आप काम करें अच्छा थोड़ी लगता है। आप लोगों के आ जाने से तो इस घर में मजीद रौनक हो जाएगी। अरे तुम लोगों की वजह से तो मेरी जिंदगी में रौनक है, आखिर हो ना तुम दोनों मेरी प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी तितलियां। क्या हम तितलियां हैं? और नहीं तो क्या। लेकिन एक तितली के तो रंग ही फीके पड़ चुके। मेरा भी दिल करता है मैं अपनी बहन से अपने दिल की बात करूं, उसकी बातें सुनूं, लेकिन नहीं, वो तो घर पे टिकती ही नहीं है। खैर वो तुम्हारी बहन है, उससे बदगुमान मत हो। रही बात उसकी मसरूफियत की, तो वो जानबूझ के अपने आप को मसरूफ रखती है, और वो करे भी क्या। क्यों मानी, वो आपसे या मुझसे बातें कर सकती है, हमारे साथ शॉपिंग पे चल सकती है, इतना कुछ हो सकता है। अच्छा बस बस बस, वो आती है तो मैं उससे बात करती हूँ। चलो तब तक हम खाने की तैयारी तो करें, फिर फोन करते हैं। अरे तुम यहाँ, कैसी लग रही है पिक्चर? बहुत प्यारी। और हमारा कपल? परफेक्ट। तुम्हें पता है ये फोटो में यहाँ क्यों लगा रहा था? क्यों? ताकि इस कमरे को हमेशा तुम्हारे ना होने का एहसास रहे। मैं कहीं जा रही हूँ क्या? अच्छा अगर मैं ना रहूँ तो? ऐसे कभी मत, वरना मैं सीरियसली मर जाऊं। ऐसा मैं कभी होने ही नहीं दे सकती, तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी।
सच कह रही हो? नहीं, झूठ बोल रही हूँ। ओए सच कह। अच्छा बताओ ये कहाँ लगा? यहाँ पे? थिंक सो। उधर लगा। बहुत सही। ये तो बताओ राइट पे लगाओ या लेफ्ट पे? राइट पर। आर यू श्योर? अच्छा चलो लेफ्ट पे लगा दो। अरे बाबा सोच लो। लेफ्ट पे लगा दो ना। तुम भी ना फिसा। लेफ्ट पे। ये ठीक है? थोड़ा सा राइट। नहीं नहीं थोड़ा सा लेफ्ट। अच्छा लगा दो बाबा। तुमने बात की है अहमद साहब से? किस बारे में? रिश्ते के बारे में। मालिक किसके रिश्ते के बारे में? तुम्हारे रिश्ते के बारे में पागल, क्या हो गया? किसी बातें करी आप? क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया? शादी नहीं करोगी तो क्या सारी जिंदगी अकेले गुजारनी है? हाँ गुजार लूंगी। आप लोग हैं ना, मुझे किसी की क्या जरूरत है? हमने कब तक जीना है? किसी बातें करी आप, प्लीज ऐसे तो मत बोलो। बस मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। फिजा। अकबर। आप फिजा को समझाते क्यों नहीं है? फिजा को किस सिलसिले में भाई? उसके रिश्ते के सिलसिले में। क्या समझाऊं? समझाएं उसे कि जिंदगी तन्हा गुजारना कोई मजाक नहीं है। क्या कहना चाह रही हो तुम? हकीकत बता रही हूँ आपको कामिल। भाई मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को फिजा से बात करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? आप खुद बताएं, क्या हम इस बात पर राजी हो जाएं कि अकेले सारी जिंदगी गुजार लेगी? क्यों अकेले गुजार लेगी जिंदगी? वो क्या कह रही है? तो यही कहती है कि तन्हा रह लेगी। अच्छा भाई तुम परेशान मत हो, मैं बात कर लूंगा उससे। आप भी बात करें, मेरी बातों से समझ नहीं आ रही, मैं बहुत परेशान हूँ उसे लेकर। कर लूंगा। मॉम, रोहा क्या हुआ? मॉम आपने रोहा को देखा है? नहीं, अपने रूम में होगी। अरे रूम में नहीं है, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। किचन में देखो, वहाँ होगी। मॉम पूरे घर में नहीं है वो। कहाँ जा सकती है? पता नहीं मॉम, आई थिंक वो कहीं घर से बाहर ना चली गई। सुबह से बहुत अपसेट थी वो। मैं उसको देखता हूँ बाहर जाके। जाओ देखो बाहर किधर गई। ऐसे अफसुरदा होके बैठना क्या मानी रखता है मिस फिजा? मैं भी आपसे इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती। क्या मतलब? ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं चाहती कि आप इसमें इन्वॉल्व हो। मेरे ऑफिस में काम करने वाले तमाम लोग मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, इसलिए अगर उनकी जिंदगी में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आता है तो उसके बारे में जानना और उसे हल करना मैं अपने लिए वाजिब समझता हूँ। ये तो आपकी बढ़ाई है सर, वरना आजकल तो लोग दूसरे को नीचा दिखाकर उसे तकलीफ देके खुशी महसूस करते हैं। किसकी तरफ इशारा है आपका? जाहिर
فراز کی طرف. اگر فراز اور آپ کے درمیان کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کے بارے میں مجھے بتا سکتی ہیں, اور اگر آپ اس وقت بات نہیں کرنا چاہتی تو کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ جب سمجھیں کہ آپ بات کرنے کے قابل ہو گئی ہیں تو مجھے بتا دیجیے گا, میرا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے. جی سر. السلام علیکم. یہ کیا ہے؟ یہ رمشا کی رپورٹس ہیں. کیا ان رپورٹس میں؟ ایاز نے صاف صاف لکھا ہے کہ رمشا کو کینسر ہے. کیا رمشا کو کینسر؟ رمشا بہت دور جانے والی ہے. روحان, اس وقت رمشا کو آپ کے حوصلے اور ہمت کی سخت ضرورت ہے. اگر آپ ایسے ریئیکٹ کریں گے تو اسے کون سنبھالے گا؟ تم خود بتاؤ حیا, رمشا ہم سے دور چلی جائے گی تو ہم کیسے رہیں گے اس کے بغیر؟ سنبھالیں خود کو روحان. فضا, تم اس سے اس طرح کیوں بات کر رہی ہو جیسے میں کوئی تمہارا دشمن ہوں؟ دشمن یہ تو میری تو میری زندگی پھر سے برباد کرنے کے لیے چلے آئے. دیکھو فضا, میں تمہاری زندگی برباد کرنے نہیں, اپنی غلطیوں کا اظہار کرنا ہے. کینیڈا چلتے ہیں یار, جب رہنا وہی ہے تو چلے چلتے ہیں. ویسے ڈیڈ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں بھی یہی سوچ رہا تھا. تو بھی ٹھیک ہے, روحا سے مشورہ کر لو اور اس کی رضامندی بھی لے لو. میں محبت اور تم, میں محبت اور تم. ویسے یار ایک بات تو ہے, میں تو ایسے ہی سر کو اتنا اسٹرکٹ سمجھتی تھی. وہ تو بہت اچھے ہیں. نہیں ماموں, واقعی بہت اچھے ہیں. وہ ہمیشہ ہمارے لیے صحیح فیصلے لیتے ہیں. باقی سب تو بس قسمت کے کھیل ہیں. اچھا اب تم مجھے اپنی رنگ کا سائز دو تاکہ جلدی سے میں تمہیں اپنی بھابھی بنا کے گھر لے آؤں. اچھا چلو اندر چل کے بیٹھتے ہیں. ہمارا کچن تو بہت چھوٹا ہے, یہ بہت بڑا ہے, لیکن کچھ بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہے. تو کیا ہوا, تم آؤ گی تو صحیح, مجھے بھائی کو اس کچن کو سب کو ٹھیک کر دو گی اور نئی زندگی بھی تو دو گی. ہاں بالکل میں آ رہی ہوں, لیکن تم بھی کچھ کام کر لیا کرو, بہت کام چور ہو تم. جائیں بھابھی, میں آپ سے بات نہیں کرتی, مجھے کام چور بولا ہے نا. اچھا تو ہو گئے تمہارے ڈرامے شروع. ایک تو ایکٹنگ میں نا تمہارا کوئی جواب نہیں ہے. اچھا نا بھابھی, مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے, جلدی سے پکوڑے بنائیں, پھر پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے آپ کے ہاتھ کے کھانے کا. یہ کیا بات کر دی تم نے؟ کہاں رہ گئی تھی؟ تم سے مطلب؟ فضا, تم مجھ سے اس طرح کیوں بات کر رہی ہو جیسے میں کوئی تمہارا دشمن ہوں؟ دشمن یہ تو میری تو میری زندگی پھر سے برباد کرنے کے لیے چلے گئے. دیکھو فضا, میں تمہاری زندگی برباد کرنے نہیں, اپنی غلطیوں کا اظہار کرنا. کیا تم نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا؟ معاف تمہیں؟ غلطی سے بھی نہیں.
क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि पानी में कितना सुकून है और मेरे अंदर कितना शोर है। रोहन, तुम्हें अपने अंदर के शोर को खुद ही खत्म करना। I don't know why, तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही? तुमसे डॉक्टर ने भी यही कहा था ना कि तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं लो, वरना तुम्हारी तबीयत और भी बिगड़ सकती है, फिर तुम कभी भी माँ नहीं बन सकोगी। सुना तुमने? सही कह रहे हो तुम, लेकिन मेरा बिल्कुल यहाँ दिल नहीं लग रहा है। मैं अपने आप को समझाती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ नॉर्मल होने की, लेकिन कैसे कैसे भूल जाऊँ सब। कुदरत ने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कर दिया आज। सुहा, जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह की मर्जी थी। अरे उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं है, तुम उसकी रजा में राजी क्यों नहीं हो जाते? आज़र, अगर तुम मेरी जगह होते फिर क्या तुम यही चीजें कहते? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो यार? वो सिर्फ तुम्हारी औलाद नहीं थी, मैं भी तो उसका बाप था ना। तुम सिर्फ ये सोच रही हो कि तकलीफ सिर्फ तुम्हें हुई है। तुमसे कहीं ज्यादा तकलीफ मैंने भी बर्दाश्त किया। अगर मैं कुछ कहता नहीं तो क्या इसका ये मतलब है मुझे दर्द नहीं होता? अच्छा तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे नफरत हो गई है? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तुम इस तरह से मुझसे कैसे बात कर सकते हो? मुझे तुमसे नफरत क्यों होगी? मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, शादी की है मैंने, क्या हो गया? चलो अब अच्छा अच्छा सोचो ताकि सब अच्छा अच्छा। मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहती आज़र। अब मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की बात यह है कि जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है उसमें। आई थिंक अब हमें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। तुम मेरा साथ दोगी ना तो फिर अब हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहना। That's like my role. परेशान लग रही हैं आप मिस फिजा? सर बस कुछ डिस्टर्ब हो। मुझे नहीं बताएंगे? क्या बताऊं मैं आपको? मैं बताता हूं। कहिए। मैं फिजा का साहब का शौहर और अपनी गलतियों का अजाला करने की खातिर मैं फिजा को दोबारा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। सर आप खुद ही बताएं क्या मैंने कुछ गलत किया? रोहान, ये क्या तरीका है? इस तरह परेशान होंगे तो कैसे चलेगा? और खुद सोचिए अगर रमशा ने आपको इस तरह देख लिया तो वो क्या सोचेगी? तुम सही कह रही हो यार, रमशा मुझे ऐसे देखेगी तो और दुखी होगी। दुख की बात तो ये है कि रमशा हमसे दूर जा रही है यार। रमशा के दूर जाने का सोचकर तो मेरी अपनी रूह भी कांप जाती है। मैं बाहर से चाहे जितना मर्जी मजबूत बनूं, अंदर से तो मैं खुद भी टूट चुकी। सर घर पर आपके बहुत खामोशी है, घर वाले सब किधर हैं? यहाँ पर नहीं होता हूँ, अकेला। मतलब आपके बीवी बच्चे सब कहाँ होते हैं?
मेरी बीवी और बेटे का इंतकाल हो चुका है प्लेन क्रैश में। बस अब इस घर में मैं ही रहता हूँ उनकी यादों के सहारे। मुझे नहीं मालूम था ये सब, सॉरी फॉर आस्किंग। मैं फिजाका साहब का शौहर और अपनी गलतियों का अजारा करने की खातिर मैं फिजा को दोबारा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। सर अगर आपको मुनासिब लगे तो किस दिन डिनर पर आए ना आप हमारे घर, मामू मुमानी को आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। आप बुला रही हैं तो जरूर आऊंगा। Thank you very much. No, thanks to you. Ahmed. Ahmed. क्या बात है बेटा, जब से ऑफिस से घर आए हो खुद को कमरे में बंद कर रखा है। सॉरी बाबा, कुछ सोच रहा था। क्या अपने बाबा को नहीं बताओगे? जरूर बताऊंगा बाबा। बैठिए। बाबा आज मुझसे बहुत अजीब फैसला हो गया। वो क्या? बस कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से फिजा बहुत डिस्टर्ब है। फिजा का इतना एहसास करते हो और उससे मोहब्बत का इजहार करने से डरते हो? ऐसी बात नहीं है बाबा, बस मैं चाहता था कि सही मौका मिल जाए। आज सोचा था प्रपोज करूंगा लेकिन फिर ये सब हो गया। बेटा मैं नहीं जानता ऑफिस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि फिजा ही वो लड़की है जिसने इतने सालों के बाद तुम्हारे दिल में प्यार का एहसास जगाया। जी बाबा। बेटा मेरी बात मानो, सब कुछ भुलाकर फिजा के घर जाओ और उसके मामू से बात करो। ठीक है। समझा दिया, मुझे लगता है अहमद मेरी बात मान लेगा। अहमद की शादी हो जाएगी तो उसकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। रोहा कैसी है? बेहतर है डैड पहले से। डॉक्टर का मशवरा क्या? डॉक्टर्स ने उसको माहौल तब्दील करने का कहा है। यार
मैं कुछ और ही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप डैड? कनाडा चलते हैं यार, जब रहना वहीं है तो चले चलते हैं। वैसे डैड आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा था। तो भी ठीक है, रोहा से मशवरा कर लो और उसकी रजामंदी भी ले लो। मैं आपको बात करके बता दूं। ठीक है। बोलो, क्या कह रही हो? किताब पढ़ रही हूँ। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, अगर तुम मुझे अपने 2 मिनट दे दो। बोलो ना, पूछ क्यों रहे हो? अच्छा, यार एक्चुअली मैं सोच रहा था कि हम कनाडा चलते हैं, मेरे से वहाँ तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा, नया माहौल होगा, नए लोग होंगे, यू फील गुड। लेकिन मैं तो सोच रही थी किसी स्कूल में यहाँ पे टीचिंग करना शुरू कर दूँ। टीचिंग? तो टीचिंग तो तुम वहाँ भी कर सकती हो ना? हाँ, ये बात भी सही है। तो फिर मैं डैड को बोल दूँ? यानी क्या मतलब, क्या कह दूँ? अरे यही कि वो टिकट्स बुक करा दें, हम कनाडा जा रहे हैं। आज़र, क्या तुम तैयार हो जाने के लिए? सच बोलूं तो एक दिल कहता है कि नहीं जाऊं, जिंदगी भर की यादें वापस आ यार, दोस्त, स्कूल, कॉलेज और बहुत सारी तल्ख यादें भी हैं। लेकिन और दूसरा दिल क्या कहता है? दूसरा दिल कहता है कि अब तक डैड के ऊपर बोझ बना, हमें यहाँ पे इतना नहीं कमाता, डैडी सारा खर्चा चलाते हैं, तो जब कनाडा जाऊंगा तो वहाँ पे कुछ अच्छा हो जाएगा। आज़र, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, शायद कनाडा जाके हम सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत कर सकते हैं जो कि फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। ओके चलो, मैं ट्रैवल एजेंट को बोलता हूँ टिकट्स का। मुझे तो लगता है कि वो कब्र तक मेरा पीछा करता रहेगा। तो उसने हद ही कर दी, मेरा पीछा करते करते ऑफिस तक पहुंच गए, उसकी जॉब है वहां पर। ये क्या हो गया? अब ये कमिल, अब क्या होगा ये सोचें? यही तो सोच रहा हूं मैं। फिजाब, तुम साफ साफ बात करो अहमद साहब से, उन्हें कहो कि वो टर्मिनेट कर दे फराज को। तो जिंदा रहने की उम्मीद भी खत्म हो गई। ऐसे नहीं सोचो, इतनी मायूसी अच्छी बात नहीं है। और कुछ नहीं तो मेरे रूहान के लिए ही सोच लो। रूहान ने तुम्हारी शादी को लेकर बहुत ख्वाब जोड़ रखी। भाई से कह दे अपने सारे ख्वाब चकना चूर कर दे। क्यों? क्योंकि शादियां जिंदा लोगों की होती है, मरे हुए लोगों की नहीं होती। मैं फिजा को अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ उनसे। मैं मोहब्बत वार तुम, मैं मोहब्बत।